A very good morning students today we will start exercise 7.3 in this exercise uh, we will learn about sss congruence rule that we have already studied okay in the starting of this chapter sss means side 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 okay if two triangles have all the sides are same then they are congruent okay and next is RHS congruence rule. RHS means R means right angle, H means hypotenuse, S means side. Okay. If two triangles, uh, same angle, right angle, and hypotenuse same ho bata, and one side same ho, then they are congruent. Okay. Let's start exercise 7.3, question number 1 triangle abc and triangle dbc are two isosceles triangles on the same base bc and vertices a and d are on the same side of bc okay if ad is extended to intersect bc at p we have two triangles triangle abc and dbc both are isosceles that means two sides are same AB is equal to AC and DB is equal to DC with the common base BC. Okay. And we have to prove that uh, these points. Okay. Let's start given. What is given? Triangle ABC and triangle DBC are isosceles triangles. Okay. In first part, in triangle ABD and triangle ACD. ए बी डी एंड ए सी डी बेटा ए बी इज इक्वल टू ए सी है गिवन है बेटा बिकॉज ए बी सी क्या है आईसोसलस ट्राइंगल है सो ए बी इज इक्वल टू ए सी सेम बी डी इज इक्वल टू सी डी बिकॉज बी डी सी भी क्या है एक आईसोसलस ट्राइंगल है सो दीस टू साइड्स आर सेम सो इज इक्वल टू ए सी बी डी इज इक्वल टू डी सी And AD is equal to AD common side. So these two triangles are congruent by SSS. Okay. So triangle ABD and triangle ACD are congruent by SSS. Okay. Now, second part ABP, triangle ABP and triangle ACP. Okay. ट्राइएंगल ए बी पी अब ए वाली पूरी हाफ हाफ ट्राइ एंगल एंड ए सी पी ए बी इज इक्वल टू ए सी बेटा गिवन है एंड ए पी इज इक्वल टू ए पी कॉमन साइड ओके बेटा अब बेटा हमने फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव किया है कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्गोरेंट इफ दीज ट्राइएंगल्स आर कॉन्गोरेंट देर कॉरस्पोंडिंग पार्ट आर इक्वल सो बेटा ये जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा इस एंगल के इक्वल होगा दैट मीन एंगल बी ए डी दिस वन एंड एंगल सी ए डी दिस वन दीज आर इक्वल बाय सी पी सी टी क्लियर अगर बेटा हम यहां पर बी ए डी कह रहे हैं चाहे हम ये बोल दें बी ए पी एंगल तो वही रहेगा ना सेम हेयर सी ए पी बेटा एंगल वही रहेगा नाउ इन दिस टू ट्राइ एंगल्स ट्राइ एंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी बेटा आपकी एक साइड थी ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है ए पी इज इक्वल टू ए पी कॉमन है एंड दीस टू एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल बाय सी पी सी टी फ्रॉम फर्स्ट पार्ट सो बाई एस ए एस दीस टू ट्राइ एंगल्स ऑल्सो कॉन्गोरेन्ट क्लियर ट्राइ एंगल ए बी पी एंड ट्राइ एंगल ए सी पी बायस दीज आर क्या प्रूफ करना है हमने बड़ा प्रूफ करना है कि जो जो लाइन है आपकी ए पी कल ए दैट मीन वो एंगल ए को क्या कर रहा है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है नाउ क्लियर बचे ट्राइंग एंगल ए बी डी एंड ट्राइंग एंगल ए सी डी आर कॉन्गोरेंट सो दीज एंगल्स आर इक्वल इट मीन्स के दोनों एंगल्स इक्वल हैं, सो क्लियरली तो बेटा ये ए पी क्या कर रहा है ये जो लाइन है ए पी वो क्या कर रही है इस पूरे एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है क्लियर अब बेटा हमने ये प्रूव करना है कि जो ए पी है वो एंगल डी को भी बेटा बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को भी बड़ा बाइसेक्ट कर रही है हमने ये प्रूफ करना है क्लियर बेटा इस क्या करेंगे ये टू बेटा एंगल प्रूफ कर देंगे ट्राइ एंगल बी डी पी एंड ट्राइ एंगल सी डी पी ओके okay? बेटा वो कैसे होगा देखो बी डी इज इक्वल टू सी डी गिवन है बच्चे डी पी इज इक्वल टू डी पी कॉमन है क्लियर अब बेटा हमने पहले सेकंड पार्ट में क्या प्रूव किया था कि ये ये एंगल है ए बी पी एंड ट्राइ एंगल ए सी पी ये क्या है कॉन्गोरेंट है तो बेटा ये बी पी इज इक्वल टू सी पी भी आएगा कॉरस्पोडिंग पार्ट क्लियर अब बेटा हम यही पार्ट जो है इन टू ट्राइ में यूज कर लेंगे सो बी डी इज इक्वल टू डी सी गिवन है बच्चे डीपीज इक्वल टू डी पी कॉमन है एंड बी पी इज इक्वल टू पी सी बाई सी पी सी टी सो दिस टू ट्राइ एंगल्स आर ऑल्सो कॉन्गुरेंट बाई एस 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 क्लियर इफ दीज टू ट्राइ एंगल आर कॉन्गुडेंट देन दियर कॉरस्पोंडिंग पार्ट आर ऑल्सो इक्वल सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल क्लियर इट मीन्स के ये टू इक्वल एंगल है सो वी हैव प्रूवड दैट ए पी एपी बाई सेक्स एंगल डी एज वेल एज एंगल ए डिकुलर बाई सेक्टर ऑफ बीसी क्लियर हमने प्रूव करना है जो ये ए पी है बेटा वो क्या है परपेंडिकुलर है दैट मीन ये 90 डिग्री का एंगल है और क्या प्रूव करना है हमने बाइसेक्टर ऑफ बी सी दैट मीन ये इस पूरी लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं क्लियर दैट मीन पी इज इक्वल टू

बी डी पी एंड ट्राइंग एंगल सी डी पी ये टू ट्राइंगल हमने प्रूफ की थी अभी कि आर कॉन्गुरेंट क्लियर इफ दीज आर कॉन्गुरेंट देयर आर पार्ट आर इक्वल इट मीनस दीज टू एंगल्स आर इक्वल एंगल बी पी डी एंड एंगल सी पी डी दीज आर इक्वल एंगल ओके दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल ओके बेटा बट दिस इज अर पेयर ओके दिस इज अर पेयर इट मीन एंगल बीपीडी एंड एंगल सीपीडीवल टू वन एटी क्लियर ये देखो बच्चे एंगल बीपीडी प्लस एंगल सीपीडी इज इक्वल टू वन एटी लीनियर पेयर एंड बोथ आर इक्वल बाय सी पी सी टी क्लियर इट मीन्स टू एंगल बीपीडी इज इक्वल टू वन एटी एंगल बीपीटी इज इक्वल टू क्या आ गया नाइनटी डिग्री क्लियर बेटा सो दिस इज अ प्रपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने यहां प्रूव कर दिया कि वो एंगल भी नाइन्टी डिग्री का है एंड बी पी इज इक्वल टू सी पी है सो दिस इज अ प्रपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओके बेटा यस क्वेश्चन नंबर थ्री वट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर थ्री ए एम इज मीडियम ऑफ ट्राइ एंगल ए बी सी एंड पी एन इज मीडियन ऑफ ट्राइ एंगल पी क्यू आर बेटा ए एम इस ट्राइएंगल का मीडियन है बेटा और पी एन जो है बेटा वो इस का मीडियन है एंड ए बी इज इक्वल टू पी क्यू ए बी इज इक्वल टू पी क्यू ए एम इज इक्वल टू पी एन एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर दीज आर गिवन पॉइंट्स ओके बेटा हमने यहां फर्स्ट बेटा देखो क्या है बेटा फर्स्ट पार्ट करने लगे हम बीसी इज इक्वल टू क्यू आर ओके बेटा इफ फुल साइड्स आर सेम देस हाफ ऑफ बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर अब बेटा बी सी का हाफ क्या होगा इस बी सी का हाफ क्या होगा बी एम और बेटा क्यू आर का हाफ क्या होगा क्यू एन इट मीन बी एम इज इक्वल टू क्यू एन क्लियर नाइ एंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है बच्चे एंड ए एम इज इक्व टू पी एन दल्सो गिवन एंड बी एम इज इक्वल टू क्यू एन ऑलरेडी यहां देखो बेटा हमने प्रूव किया ना बी BM एम टू क्यू एन सो बाय एस 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 ट्राई ए बी एम इज कॉन्गोर टू ट्राइ एंगल पी क्यू एन ओके नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइ पी क्यू आर बेटा हम फुल ट्राइ की बात कर रहे हैं अब बेटा यहाँ पे ये गिवन है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू गिवन है बच्चे ओके बी सी इज इक्वल टू क्यू आर ऑल्सो गिवन एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर बाय सी पी सी टी ऑफ ट्राइ एंगल ए बी एम इज टू कॉन्गुर पी क्यू एन क्लियर बेटा सो बाय एस ए एस क्या प्रूव हो गया बेटा